नमस्कार, मैं महेंद्र शास्त्री, आप सभी का हॉट न्यूज इंडिया के माध्यम से स्वागत करता हूं। आज 27 तारीख दिन मंगलवार और दूसरा नवरात्रा। पहला नवरात्रा माता शैलपुत्री का और आज दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी का। तो आज हम दूसरे दिन के नवरात्रे में माता ब्रह्मचारिणी का पूजन करेंगे। प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। दूसरी माता का जो दूसरे दिन का पूजन हम करते हैं, माता ब्रह्मचारिणी का करते हैं। हम अपने घर में जो ज्योत जलाते हैं, वैसे तो हमें अखंड ज्योत माता रानी की जलानी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा ना हो सके तो हमें एक दीपक जरूर जलाना चाहिए माता रानी के नाम का और उनके दरबार में। बंधुओं, दीपक को किस दिशा की तरफ मुख करके रखना है, ये बहुत बड़ी विशेष जानकारी हमें होनी चाहिए। दीपक का मुख अगर हम पश्चिम की तरफ करते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, दक्षिण की तरफ करते हैं तो कष्ट आते हैं, लेकिन अगर आप पूर्व और उत्तर की तरफ करते हैं तो आपके घर में धन धान की वृद्धि होती है, आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है। क्योंकि पूरब और उत्तर हमारे लिए शुभ माने जाते हैं। आज हमने माता ब्रह्मचारिणी का पूजन करना है और उनसे भी प्रार्थना करनी है, हे सर्वेश्वरी, हे महामाया, हे कल्याणी, हमारे श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार पहला दिन माता भगवती महाकाली का है। जयंती मंगला काली, पहला नवरात्रा महाकाली का। जो हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उसमें 13 अध्याय हैं। 13 अध्याय में जो पहला अध्याय है वो माता महाकाली का है, जो इस नवरात्रों के प्रथम दिन की देवी कही गई हैं, उनका हम पूजन करते हैं। माता काली की पूजा करने से हमारे जीवन में कष्ट नहीं आते और शत्रु नहीं आते। दूसरे दिन का पूजन है माता लक्ष्मी का। जैसे 13 अध्याय में पहला अध्याय है माता काली का, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 3 अध्याय हैं माता लक्ष्मी के, और इसके बाद में जो 5वें से लेकर के 13वें अध्याय तक माता सरस्वती की पूजा की गई है, वंदन किया गया है, स्मरण किया गया है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो आज दूसरे दिन दुर्गा सप्तशती के माध्यम से आज माता लक्ष्मी का दिन प्रारंभ होता है, और नाम के हिसाब से प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, आज माता ब्रह्मचारिणी का दिन है। सफेद कपड़े पहन करके माता का ध्यान करना चाहिए, श्वेत वस्त्र पहन करके माता का स्मरण करना चाहिए। एक बार हम फिर माता का स्मरण करेंगे। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपाली, दुर्गा शिवाधारिणी, वाहन सदा नमोस्तुते। साथ में दिन आज मंगलवार है। जब भी माता का कहीं पर दरबार सजाया जाता है, माता का कहीं भी पूजन होता है, तो माता के आगे पीछे 2 लोग जरूर होते हैं, एक भैरव बाबा और एक हनुमान जी। हनुमान जी पताका रूप में हमेशा माता के साथ होते हैं। तो दूसरा नवरात्रा और दिन मंगलवार, इस दिन हम हनुमान जी का भी पूजन करेंगे। हनुमान जी की कृपा की बड़ी आवश्यकता होती है। हमने अगर माता रानी से अपनी बात को कहना है, अपने कष्टों को माता तक पहुंचाना है, तो माध्यम कौन है? हनुमान जी, जिनके चरणों में हमने प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी, निश्चय प्रेम प्रतीतते। अगर आप निश्चय करके बैठ जाते हैं, प्रेम करते हैं हनुमान जी से, तो विनय करे सन्मान, तेहि के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। तो अगर आप अपनी अर्जी हनुमान जी के पास लेकर के जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मैया से कह देना कि ये हमारा छोटा सा कार्य, आपका सेवक आपके चरणों में लेके आया है,
तो अवश्य होगा। इसलिए माता रानी के साथ साथ हमने हनुमान जी का भी पूजन करना है, उनका भी ध्यान करना है। दूसरे दिन के नवरात्रों में हमने माता के नामों का स्मरण करना है। वैसे तो माता के 32 नाम की माला पूरे नवरात्रों हमें फेरनी चाहिए। वो नाम है ओम दुर्गा दुर्गा शमनी दुर्गा पद्म निवारणी दुर्ग मच्छेदनी दुर्ग साधनी दुर्ग नाशनी दुर्गतो द्वारणी दुर्ग निहंती दुर्ग मापहा दुर्गमगानदा दुर्ग दैत्य लोक दवानला दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूपणी दुर्गमा प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिता दुर्गज्ञान संस्थाना दुर्ग मध्यान भासिनी दुर्ग मोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपणी दुर्ग मासुरहंती दुर्गमा धारणी दुर्गमांगी दुर्गमक्ता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्गभा दुर्ग द्वारणी। ये मैंने तो श्लोक रूप में आपको बता दिया है। आप दुर्गा सप्तशती खरीदेंगे तो उसमें अलग अलग पृथक पृथक ये 32 नाम हैं और बड़ा महत्व है इन नामों का। बंधुओं, अगर आपके जीवन में शत्रु हावी हो रहा है, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, अगर आपकी कोई जगह जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, तो आप इन नामों का सुमिरन करें। ये नाम कितने? 32। इन नामों के द्वारा शत्रु को बहुत ही जल्दी हराया जा सकता है। करना कुछ नहीं है, दीपक जलाना है, माता रानी के सामने बैठना है, हाथ में जल लेना है कि अमुक व्यक्ति जो मुझे प्रताड़ित कर रहा है या हमारी किसी चीज पर कब्जा करना चाहता है या हमारे शरीर में कोई रोग है, इन समस्त प्रकार के कष्टों से बचने के लिए आपने हाथ में रखना है थोड़ा सा जल और फिर करना है संकल्प। ओम विष्णु नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमस्य अमुक गोत्र अपने गोत्र का नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए, इसके बाद में शत्रु का नाम लीजिए। सर्व शत्रु समनर्थाय माँ भगवती कृपा प्राप्त कामये माता दया प्राप्त कामनयः अति शीघ्र शत्रु समनार्थाये माँ भगवती 32 नाम जाप कर्मणा इदं संकल्पम अहम् कारिष्ये हे। वो जो जल है आपने माता रानी के सामने छोड़ देना है और ये जो 32 नाम है इनका आपने 108 बार प्रतिदिन जाप करना है। थोड़ा समय जरूर लगेगा क्योंकि जो ब्राह्मण वर्ग होते हैं, जो ब्राह्मण आचार बंधु होते हैं, उनको ये नाम याद हो जाते हैं, इसलिए उनको जाप करने में कोई कठिनाई नहीं होती। अगर आप करेंगे तो आपको थोड़ा समय लगेगा, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो किसी ब्राह्मण आचार्य से निवेदन करके, उनसे प्रार्थना करके आप अपने घर में इस मंत्र का जाप कराइए। मंत्र फिर एक बार दोहरा देता हूँ, दुर्गा दुर्गशमनी दुर्गा पद्म निवारणी दुर्ग मच्छेदनी दुर्ग साधनी दुर्ग नाशनी दुर्ग तो द्वारणी दुर्ग निहंती दुर्ग मा पहा दुर्गमगानदा दुर्ग दैत्य लोक दवानला दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूपणी दुर्गमा प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिता दुर्गज्ञान संस्थाना दुर्ग मध्यान भासिनी दुर्ग मोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपणी दुर्ग मासुरहंती दुर्ग मायु धारणी दुर्गमांगी दुर्गमक्ता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्गभा दुर्ग द्वारणी। अब दुर्गा का मतलब क्या हुआ? जो दुष्टों का नाश करने वाली है वह है दुर्गा। दुर्गे स्मृता हरति भीतिमशेष जंतो स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां ददाति दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करना ये सदा चित्ता। आप माता के इन पावन नामों का सुमिरन करेंगे तो शत्रु दिखेगा नहीं, दौड़ेगा आपसे, उसको लगेगा पता नहीं कौन सी शक्ति है इसमें, इसके कार्य इसको नुकसान पहुंचा करके मैं कहीं अपने जीवन में कोई संकट तो नहीं ले रहा हूं, ऐसे उसके अंदर भाव परिवर्तित होंगे और वो धीरे धीरे करके आपसे दूर हो जाएगा। इन पावन नामों में बड़ी ताकत है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं पवित्रता श्रद्धा और विश्वास, पवित्रता श्रद्धा और विश्वास इनको लेकर के आप बैठ जाइए, देखिए कैसे आपके जीवन में होता है चमत्कार।
बंधुओं, माता रानी आपके जीवन में समस्त संकटों को दूर करेंगी, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी, पवित्रता रखनी होगी। सुख प्रभात वेला में सूर्य उदय से पहले हमने उठ करके माता रानी को स्मरण करना है, स्नान आदि करके उनके लिए पूजन आदि की सारी व्यवस्थाएं करके हमने उनका पूजन करना है। बड़े ही पावन नवरात्रे हैं, बड़े ही परम पवित्र नवरात्रे हैं, और इसी के साथ साथ हमने हनुमान जी का भी ध्यान करना है, क्योंकि जहां पर मैया का पूजन होता है, मैया का दरबार होता है, वहां पर हनुमान पहरेदार होता है। ऐसा मैंने सुना है कि मैया का दरबार जहां पर होता है, हनुमत पहरेदार वहां पर होता है। तो सबसे पहले हमने अगर किसी से मिलना है तो सबसे पहले किससे मिलेंगे? पहरेदार से। इसलिए हनुमान जी की भी प्रार्थना करनी है, मंदिर में जाना है, सिंदूर लेके जाना है, चमेली का तेल लेकर के जाना है, और साथ में ले जाना है थोड़े से लड्डू या बदाना। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सिंदूर और चमेली के तेल के द्वारा पहले करें उनके शरीर में लेपन, उसे कहते हैं चोला चढ़ाना, और चोला चढ़ाने के बाद में उनको आप भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आपने पाठ करना है हनुमान चालीसा का। हनुमान चालीसा का पाठ आपके अंदर पवित्रता जगाएगा, आपके अंदर सुंदर भाव ले आएगा, और आपके अंदर जो कलुषित विचार हैं उनको दूर भगाएंगे। तो आप हनुमान जी की जब पूजा करते हैं तो आपके समस्त शत्रु नष्ट हो जाते हैं। हनुमान जी की पूजा कई प्रकार से की जाती है। हमारे जीवन में अगर शत्रु हावी हों तो हमें हनुमान जी के शरीर में चमेली का तेल और सिंदूर लगाना चाहिए। अगर हमने बाहर जाना है, विदेश यात्रा में रुकावट आ रही है, तो हमें हनुमान जी को वस्त्र चढ़ाना चाहिए, झंडा चढ़ाना चाहिए। और अगर हमारे जीवन में शत्रु हावी हो रहे हैं तो हमें पीपल के पत्तों में श्री राम श्री राम श्री राम लिख करके, 21 पत्तों में राम राम लिख करके एक माला बना करके हनुमान जी के शरीर में डालने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। शत्रुओं के नाश के लिए हम हनुमान जी के शरण में बदाना, गुड़ और भुने हुए चने भी चढ़ाते हैं, जिसके द्वारा हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बंधुओं, कलयुग में हनुमान जी का बहुत बड़ा महत्व है, ये प्रमाणित मैं अपने जीवन से देखता हूँ। अगर आप भी करेंगे हनुमान जी का पूजन तो विश्वास रखिए आपके जीवन में शत्रु कभी हावी नहीं होगा, आपके कारोबार में बाधा नहीं आएगी, आपके कारोबार में कभी रुकावट नहीं होगी, आपके घर में वास्तु का जो दोष है वो भी समाप्त होगा, क्योंकि हनुमान जी की पूजा से कई प्रकार के हमें लाभ प्राप्त होते हैं। हनुमान जी मंगल को जन्मे हैं, हमारे जीवन में मंगल ही करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में मंगल हो, हमारे घर में शुभ कार्य हो, हमारे घर में मांगलिक कार्य हो, तो इसके लिए हमने हनुमान जी से प्रार्थना करनी है और उनसे अपनी बात को कहना है, अपने विचारों को कहना है कि हे हनुमान जी, अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम। हाथ जोड़ करके इस श्लोक के द्वारा उनकी प्रार्थना क्या करनी है, अतुलित बल धामम, जिनकी जिनको अपने बल का भी ज्ञान नहीं है, ऐसे हनुमान जी के हम शरण में खड़े हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुज बन कृषानु ज्ञान नाम गृगण्यम सकल गुण निधानम बाणराणामधीशम रघुपति प्रिय भगतम वाति जातम नमामि। रघुपति प्रिय भगतम वाति जातम नमामि। ऐसे हनुमान जी से प्रार्थना और माता का ध्यान, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे होता है चमत्कार। बंधुओं, ये जो पावन नवरात्रि हमारे जीवन में आए हैं, अगर आप भावना के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ माता रानी का पूजन करते हैं, और हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती में कवच अर्गला कीलक
अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कवच अर्गला कीलक इनका पाठ हमें नित्य प्रति करना चाहिए। वैसे नियम तो ये है कि हमें इन नवरात्रों में ब्राह्मण के द्वारा अपने घर में पूजन करवाना चाहिए, पाठ करवाना चाहिए। दो फायदे होते हैं, एक तो ब्राह्मण के 9 दिन चरण हमारे घर में पड़ते हैं, रोज हमारे घर से ब्राह्मण देवता कुछ न कुछ भोग प्रसाद पा के जाते हैं, और आखिरी दिन जब हम हवन करवाते हैं तो ब्राह्मण देवता को दान पुण्य करते हैं। इससे हमें कई प्रकार के, एक तो लाभ प्राप्त हो जाता है, दान भी होता है, ब्राह्मण के चरण भी पड़ते हैं और रोज ब्राह्मण की सेवा भी होती है और ब्राह्मणों के द्वारा निकले हुए मंत्र हमारे घर में गूंजते हैं। तो अगर आप नहीं बुलाते हैं ब्राह्मण देवता को तो आप अपने घर में कवच अर्गला कीलक इन तीनों का अगर आप पाठ नवरात्रों भर करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। दूसरी बात, हमारे सनातन धर्म के अनुसार कहीं कहीं पर नवरात्रों के दिनों में श्री रामचरितमानस नवान प्राण के हिसाब से रखा जाता है कि 9 दिन में उसे समाप्त करना होता है। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो श्री रामचरितमानस का संकल्प करिए, अपने घर में बैठ करके प्रतिदिन पाठ करिए और 9 दिन में जब नवरात्रा समाप्त हो तो 9 दिन में आप भगवान राम जी का ध्यान करते हुए उसका भी पूर्णाहुति कर सकते हैं, उसको भी संपूर्ण, उससे भी महान फल और लाभ की प्राप्ति होती है। तो बंधुओं, ये नवरात्रे आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। हम यही प्रार्थना करते हैं माता रानी से कि हे माँ भक्ति, जितने भी हमारे अपने बंधु या भाई लोग हैं या जो हमारे इस चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, हम यही प्रार्थना करते हैं, हे माता रानी, आप सभी के जो कष्ट हैं वो माता रानी दूर करें और आपके जीवन में आए ढेर सारी खुशियां, ताकि आपका प्यार, आपका विश्वास माता रानी के प्रति और बढ़े। बंधुओं, ये हमारा सनातन धर्म हर्षोल्लास का धर्म है, नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई तिथि त्योहार और देवी देवताओं का पूजन निरंतर चलता ही रहता है। तो आपने माता भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए माता रानी का पूजन करना है, अपने घर में ज्योत जलानी है और विशेष शुद्ध रहना है, पवित्र रहना है, किसी के साथ कोई द्वेष भावना नहीं रखनी है। देखिए फिर कैसे चमत्कार होता है। मैं महेंद्र शास्त्री आपसे लेता हूं इजाजत, फिर मिलूंगा दूसरे एपिसोड के साथ, आपसे नई नई जानकारियां साझा करेंगे। आप हमारे इस चैनल को देखते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि अगर हमें आप कोई सुझाव देते हैं तो मैं उस सुझाव को जरूर शामिल करूंगा। और आप देखते रहिए हॉट न्यूज इंडिया, जो आप तक पहुंचा रहा है धर्म से संबंधित सारी जानकारियां, और देखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और जयकारा माता रानी का बोल साचे दरबार की जय, माता रानी का चिंतन करते रहिए। सबको नमस्कार, सबको राम राम, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।